हेलो डियर हीलर्स, जयपुर के नाम में ही जय है। पूरा हम कर सकते हैं, अर्थ को पूरा कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। पहले उसके बारे में हम हील किसको करने वाले, अर्थ और हमें खुद को हील करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इफ यू आर अवेयर देन हैप्पी न्यू ईयर। आप इस साल अवेयर रहने वाले हो अपने थॉट्स के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे अंदर चलने वाली सांस कहां से आ रही है, कौन सी नाभि से आ रही है, उसको अवेयरनेस के साथ देखना है। तो मैं एग्जांपल देता हूं। ये एक प्रयोग किया गया साइंस के द्वारा। आज के कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने एक प्रयोग किया गया। प्रयोग क्या किया गया कि बुजुर्ग लोग हैं, उनका 8 का और यहां पर 8 का, ऐसे 8-8 के दो ग्रुप बनाए गए और उनको कहा गया कि आपको दो फार्म हाउस पता है ना सभी को, फार्म हाउस में रखा गया और उनको पहले क्या किया गया, सारा उनका जो मेडिकल चेकअप है, जैसे कि हार्ट बीट्स कितनी है या उनका बीपी कितना है, उनका डायबिटीज लेवल क्या है, फिर पल्स कितने हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये सब देखा गया उस दोनों ग्रुप में। तो दोनों ग्रुप को बताया गया कि यहाँ सब कुछ, जैसे हम बिग बॉस में देखते हैं, सब कुछ आपको दिया गया होता है, आपको करना होता है, ये सभी जानते हैं ना सभी। तो वैसे उनको बताया गया कि आपको जब 8 दिन के बाद ये आपको यहां से निकाला जाएगा, वैसे के वैसे सारी चीजें होनी चाहिए। तो दिन चर्या शुरू हुई सभी दो ग्रुप की और 8वें दिन देखा गया, जब बाहर आए सारा चेकअप कर दिया। तो मिरेकल देखो, कुछ लोगों ने जो जिनका बीपी जो हाई था उनका बहुत कम हो गया, यानी उनको गोलियां डॉक्टर ने कहा अब लेने की आवश्यकता नहीं है, डायबिटीज की अभी आवश्यकता, यानी आप उतना ये कर सकते हो। और कुछ लोगों का क्या हुआ, बीपी बढ़ गया, कुछ लोगों का डायबिटीज बढ़ गया, कुछ लोगों को, क्योंकि वहां पर जब दिनचर्या में दिन भर क्या क्या करना है, सुबह नाश्ता करना है तो एक जैसे प्लेट लेनी है तो अवेयर रहना पड़ता है ना, प्लेट लेकर शुगर लेनी है या चाय बनाने के लिए ये लेना है तो प्रेजेंट में आना पड़ता है हमें। तो प्रेजेंट में आने के लिए अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है। तो अवेयर हमें इस साल रहना है अपने प्रति। इसका एक कुदरत का नियम है कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं और जितना ज्यादा फोकस करते हैं, सुनो ये बात बहुत बड़ी बात है, जिस चीज को हम फोकस करते हैं वो चीज प्रकट हो जाती है, जिस चीज पर हमारी अवेयरनेस जाती है वो चीज क्रिएट होने लगती है। ये मिरेकल है, ये पता है, ये नियम सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मालूम है, लेकिन लॉ ऑफ अवेयरनेस यानी हमारा ध्यान कहां पर जाता है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान कहां पर जाता है, वहां पर वो चीज क्रिएट होने लगती है। तो हमें वो उस चीज के बारे में अवेयर रहना है, हमारा ध्यान कहां जा रहा है। तो ये हमें कॉन्सिक्वेंसेस निर्माण करने वाला है या जीवन में हमें पॉजिटिव की तरफ लेकर जाने वाला है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो हमने नियम को जाना,
कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं और ज्यादा बल देते हैं उतनी ही ज्यादा इससे वो वजूद में आती है, सामने आती है, स्थिति निर्माण हो जाती है हमारे सामने। आज जो स्थिति आपके सामने क्रिएट हुई है आपके विचारों के द्वारा, ये माइन्यूटली हमें अवेयर होना पड़ता है कि जो हमें जीवन में क्रिएट करना है वो क्या करना है, किस विजन से हमें देखना पड़ना है। तो वो हमें अवेयरली करना है। चलो अब टेडेक्स को तो बहुत ही धन्यवाद है, ऑर्गेनाइजर्स है उनको भी धन्यवाद है, बियानी ग्रुप के चेयरमैन है, डायरेक्टर्स है, मैम है, इनको सबको धन्यवाद है। हम चलते हैं अभी एक बहुत अच्छा हीलिंग के पार्ट पर जाने वाले हैं। क्या लगता है हीलिंग बड़ा सब्जेक्ट है या छोटा सब्जेक्ट है? एक दो लोग बताएंगे, एक दो लोग, बड़ा सब्जेक्ट है कि छोटा सब्जेक्ट है? बड़ा नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे, अपने सिर्फ 5 मिनट, जीवन के 5 मिनट अपने लिए देने वाले। 5 मिनट है ना, कुदरत में, ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहा है उस पर हम फोकस करने वाले हैं, अवेयर होने वाले हैं। तो अपने प्रति पहले होने वाले हैं। तो तैयार है सभी आप बंद करने के लिए 5 मिनट के लिए? तो यहां पर एक म्यूजिक लगेगा, रिलैक्सेशन म्यूजिक लगेगा। सभी धीरे से सभी आंखें बंद करेंगे, बहुत ही धीरे से आंखें बंद करेंगे, अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे, कंफर्ट में जाएंगे, कामनेस में जाएंगे, दिमाग में जो भी विचार है उसको छोड़ते छोड़ते जाएंगे। ये सिर्फ हमने पकड़ कर रखा है, हमारे कॉन्शियस माइंड ने जो देखा है, जैसे कि हमारे आंखों ने जो कुछ चीजें देखी है वो चिपक गई है, उसको छोड़ देना है, जिसकी वजह से हमें आंख है ये पता चलता है, कान ने जो सुना है उसकी वजह से हमें कान का पता चलता है, नाक ने जो भी हमें सुगंध से ये किया है तो वो विचार भी विलीन करेंगे, उसके साथ साथ हमने त्वचा के साथ जो भी स्पर्श महसूस किए हैं वो भी जाने देना है, और हमारे सिर में जो भी दर्द है वो जा रहा है, इसके साथ साथ ये ऊपर जो कॉस्मिक कनेक्शन के साथ, हायर सेल्फ के साथ हमारी कॉन्शियसनेस जो हमारे हृदय स्थान पर है, हमारे हार्ट पर है, वहां पर हमें ध्यान लेकर जाना है, दाहिने और ध्यान लेकर जाएंगे और फील करेंगे वहां पर हमारी चेतना, जिसकी वजह से हम जीवन जी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर से विचार उठ रहे हैं, वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको हमें छोड़ देना है, हमें छोड़ देना है, रिलैक्स करना है अपने आप को। अब क्या करने वाले हैं, सारे जो सेंसेस है हमारे, ऑर्गन्स है, उनको धन्यवाद के साथ क्षमा याचना करनी है, हमें आज तक इन्होंने जितना कार्य किया इनके द्वारे, तो हमें धन्यवाद भी देना है और क्षमा भी मांगनी है, क्योंकि हमने आज तक इनको कभी धन्यवाद भी नहीं दिए, आपको से इतना हमें क्या क्या दिखाई दिया, तो आपको को धन्यवाद देना है। ब्रेन जो एक्टिव न्यूरॉन्स, लाखों न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, मरते हैं, वो जो भी क्रिया चल रही है उसके लिए धन्यवाद देना है, क्षमा याचना करनी है, अपने पूरे शरीर को हम
हील करेंगे क्षमा के साथ, धन्यवाद के साथ, पैरों को, अपने पेट को बहुत ही अच्छा डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से पूरा जो हमारा अंदर जो भी ऑर्गन्स, हार्ट से लेकर लंग्स से लेकर सारे, इसको हमें हील करके क्षमा, आई एम सॉरी, आपने इतना कार्य किया, मैं 20 साल, 25 साल, 30 साल इतना ये किया, फिर भी मैंने आपको धन्यवाद नहीं कहा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो हम क्षमा करेंगे, हिल करेंगे नेगेटिव चीजों को जो अट्रैक्ट किया, जो हमारे अंदर जो चेतना है वो कॉन्शियस लेवल जो हमें प्रकट रूप में दिखती नहीं है, उसको भी धन्यवाद देंगे कि हम अनजाने यानी जाने हमने उसको भी दुख दिया। मंदिर जो है हमारा शरीर या जो भी आप समझो, वो आपके हिसाब से वो आपके लिए वो सबसे बड़ा यंत्र है, उसको धन्यवाद और क्षमा के साथ हील करेंगे। अब हमारे घर में जो भी सारी वस्तुएं हम यूज करते हैं, जहाँ से बाइक से लेकर सब जो भी आपको सहायता करता है, उसको सारा इसको धन्यवाद देंगे और उसके साथ साथ कुदरत में जाएंगे। वो कुदरत हमें कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहती है और वो मैसेज हम पकड़ नहीं पाते, बोलना चाहती है, तो वो हम उनको भी धन्यवाद देंगे, क्षमा याचना करेंगे। वो सारे प्लैनेट्स को, सारे सोलर सिस्टम को हम धन्यवाद देंगे, सूरज से लेकर सारे जो भी प्लैनेट्स बनाए गए हैं उस चेतना के द्वारा, उस कॉन्शियसनेस के द्वारा, ये जो एक्सप्रेस हुआ है, जैसे न्यूटन का जो नियम है, आइंस्टाइन ने जो बताया है, उस तरीके से हम फॉर्म में सब चीजें देख रहे हैं, एक ही एनर्जी फॉर्म में है, उसको धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे ध्यान क्षेत्र में जितने भी चीजें हैं उसको धन्यवाद देकर क्षमा याचना करनी है। तो धीरे से आंखें खोलेंगे। अब हमने अर्थ को और अपने आप को और प्लैनेट्स को यानी पूरे ब्रह्मांड को हमने क्षमा याचना और उसके साथ साथ धन्यवाद दिया, क्योंकि कुछ भी कहो आप, सारा ब्रह्मांड जो है, ये देखो यहां पर कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, लगता है किसी को, वीनस और चंद्रमा को छोड़कर दोनों जहां पर हमने कॉन्सिक्वेंसेस करने के लिए तैयार हुए हैं, कुछ साइंटिस्ट, कुछ देश हमें, तो ये यहां पर हमें कोई भी लयबद्धता है यानी अलाइनमेंट के साथ सारा ब्रह्मांड चल रहा है अर्थ को छोड़कर। आपको पता है चाइना क्या करने जा रही है? अर्थ का मेजरमेंट, लंबाई कितनी है ये देखने के लिए उन्होंने खुदाई शुरू की है। इसके हाइट की एक सोच है जो इलॉन मस्क करने जा रहे हैं। क्या सोच है देखो, वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करने वाले हैं मंगल ग्रह पर, वो चाहते हैं कि मैं वहां पर पहला आदमी घर बनाऊंगा। ये होने के लिए अर्थ या प्लैनेट का कोई भी पार्ट नहीं है। यहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे, फिजिक्स के मास्टर्स होंगे, वो जानते रहेंगे अर्थ के लिए ये सारा पूरा ब्रह्मांड है, इसका सारा असर ब्रह्मांड पर होता है, हमारे शरीर पर होता है, 9 प्लैनेट्स
क्या है हमारे ऊपर असर करते, पॉजिटिवली असर करते हैं। हमारे घर वाले क्या बोलते, ये मंगल ग्रह ये ऐसा ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम आने वाले कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पर आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये टूट जाए कि यहां पर पूरा क्लियर है, सिर्फ अर्थ पर ये बातें चल रही है। तो किसको ये, देखो हमारे महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग्स करता हूं, दिल्ली में भी रहता हूं, महाराष्ट्र में दो ऐसे सिटी बनने जा रही थी लेकिन कुदरत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। करोड़ों रुपए वहां पर लगे थे। एमबी वैली जानते हैं आप सर, लवासा जानते हैं मैम, लवासा सिटी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहां का वेदर, जब 20 साल पहले वेदर कितना था, आज जैसे आपके यहाँ का जयपुर का है 12-13 ऐसा सुबह का ये रहता है, वहां पर अभी हमारे पूना मुंबई और यहाँ पर 32 से आगे वेदर गया। क्यों? क्योंकि जो रचना उन्होंने की, जब कोई तो सहारा के जो हो गए या जो भी होंगे, उन्होंने बाहर से कुछ देखकर आए और यही इंडिया में क्रिएट हो सकता है, इंडिया में ऐसा बन सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। सारा सिस्टेमेटिक, सारा वेदर को देखकर ये बनाया गया होता है। तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। हमारे पूना में आज पूरा फैला हुआ है, पानी की कम हो गई है, क्योंकि वहां पर इतना एमबी वैली ने वहां पर पूरा ये करके रखा है। तो ऐसे लोगों की सोच भी हमें बदलनी है। तो ये कार्य सबसे बड़ा कार्य होगा। तो यहां पर कुछ नहीं हो रहा है, अर्थ पर ये सारी चीजें हो रही है। लगता है भूख ज्यादा लगी है शरीर में, तो शायद सभी का फोकस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इट्स ओके, फिर भी मैं 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। सबकॉन्शियस माइंड किसको पता है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड होता है, सभी को पता है। कॉन्शियस माइंड यानी सेंसेस के द्वारा हम देख पाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, पता है सभी। लेकिन वो कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% रहता है, कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% रहता है। देखो ये कॉन्शियस माइंड यानी हमारी इंद्रिया है, यानी सेंसेस है, जिससे हम देखते हैं 5, और जो नीचे है समंदर का ये नीचे का भाव सबकॉन्शियस माइंड है, उसको ही अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, विवेक कहते हैं, या कुछ भी नाम दो उसको, विवेकानंद कहो, विवेक से वो आया हुआ आनंद। जो भी बिलीफ्स हमारे अंदर बचपन से लेकर 2.5 साल के बाद, 2.5 साल तक हमें मालूम नहीं था ये मम्मा है, ये पापा है, ये काका है, ये अंकल है, ये पुफा है, या जो भी नाम, 2.5 साल के बाद ये बिलीफ्स हमारे अंदर जाने लगा। और उसके बाद में बंडल ऑफ थॉट, बंडल ऑफ बिलीफ्स, धारणाएं, मान्यताएं, और उसके बाद में हम क्या करें, उसके बाद में रिजल्ट हमें जो आज की स्थिति है आपके सामने, घर की हो या आपके अंदर की स्थिति, माइंड की स्थिति, उसको बोलते हैं कि थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस क्या है, हमारी कोर थॉट यानी सबकॉन्शियस लेवल पर हमने क्या मानकर रखा है खुद को, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, आगे हम बात करेंगे। लेकिन इस लेवल पर हमें एक तो बात हमें सबकॉन्शियस लेवल पर डालनी है, बीज रोना है। जैसे खेती करने वाला क्या करता है, मकई का एक बीज रोता है, पूरे खेत में सारे मकई के जब डालता है तो वो कितने मल्टीप्लाई होकर आता है, 100 times तो बढ़कर आता है ना, ये कुदरत का नियम है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, लयबद्ध अलाइनमेंट होने वाले हैं किसके साथ,
पूरे ब्रह्मांड के साथ, उसमें इंक्लूडिंग हमारी अर्थ भी आएगी। हम मदर नेचर कहते हैं ना, तो मदर नेचर के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसा हो सकता है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो उन लोगों को भी माफ करना है कि जिन्होंने ये क्रिएट किया, अब ऐसा नहीं होगा। जी जो चाहिए उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो अब सबकॉन्शियस लेवल पर हमें ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है, जो भी आज से हम करेंगे उसके साथ अलाइन हो जाएंगे। अलाइन होना यानी क्लियर हुआ सब? जब हम किसी चीज के साथ अलाइन हो जाते हैं तो जुड़ जाते हैं और वो प्रकट होता है। तो सबसे बड़ा क्या, हम किसके साथ अलाइन हो सकते हैं? यूनिवर्सल आई कॉन्शियसनेस, जो जहां से ये सब कुछ हो रहा है। जब हम नींद में होते हैं तो हमें पता होता है हमें कि माइंड है या ब्रेन है या क्या है। सुबह उठकर बोलते हैं अच्छा नींद हुआ। अरे तुम्हारा माइंड कहाँ था वहां पर, तुम्हारा ब्रेन कहाँ था वहां पर? कुछ नहीं था, सुबह उठकर बोलते हैं। तो वैसा एक पाठ है। तो हमें लयबद्ध होना है उसके साथ। जो चीज अब हमें क्लाइमेट चेंज हो चुका है, हम बीइंग में जाएंगे, सबकॉन्शियस लेवल पर बताएंगे ये सब कुछ चेंज हो चुका है। उस कॉन्शियसनेस के द्वारा हम वो प्रार्थना कहे या उसका मांग करे या कन्विक्शन से हम बोले कि हम अलाइन हो रहे हैं आपके साथ, क्षमा चाहते हैं। जिन्होंने किया उनको भी क्षमा करेंगे, पहले अपने आप को क्षमा करेंगे। क्योंकि हमने मीडिया में क्या देखा, यहां पर पानी का ये हुआ, ऑस्ट्रेलिया में इतनी जंगलों को आग लगी और हमने वो दोहराना शुरू किया। ये दोहराना क्या हुआ, उसको बढ़ोतरी मिली क्योंकि हमने ताकत दी उसको। तो उसके लिए हमें क्षमा मांगनी है अपनी, पहले अपनी। उन लोगों को तो बाद में माफ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यही एक आज के लिए सोल्यूशन हो सकता है। अब हम लास्ट का एक छोटा सा पार्ट देखेंगे, जिसमें एक होता है हार्डवर्क। जानते हैं सभी, रटा रटाया पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, कंप्यूटर बैठना है, कंप्यूटर्स पर काम करने हैं। हर सेक्टर का ले लो, मैं स्टूडेंट्स का ही नहीं, हर सेक्टर में ले लो। तो रटा रटाया काम हार्ड वर्क करते 20% जो भी है, क्योंकि मैं पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं कभी भी जो भी चीज बोल रहा हूँ अनुभव लेकर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप अनुभव नहीं लेते तब तक आप बता भी नहीं सकते। तो हार्डवर्क करने वाले लोग होते हैं, कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो इसके अलावा आपको पता है और एक वर्क होता है, क्या हो सकता है? हार्ट वर्क। तो हमें जो दिन में 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा जितना भी हम काम करते हैं, तो 1 घंटे में हम रिमाइंडर लगा सकते हैं। 1 घंटे के बाद जब 1:01 होता है तो हम जाएंगे हार्ट पर, 3 मिनट रहेंगे। कितने ही विचार चले हमें 3 मिनट खुद के लिए देने हैं, रिलैक्स होना है और सॉरी कहना है और धन्यवाद भी देने हैं। ये हर 4 महीनों में बदलने वाला है। 3-4 महीनों के बाद 3 मिनट, 6 महीनों के बाद 6 मिनट, सॉरी 8 महीनों के बाद 6 मिनट और 12 महीने के बाद 9 मिनट। हाँ, ऐसा एक एक्शन प्लान ले सकते हैं अवेयरली सभी। जैसे हमने पहले पार्ट में सुना अवेयरनेस के बारे में, हमने खुद को माफ किया ना सभी ने, माफ सब सारे इंद्रियों को क्षमा मांगी,
उनको धन्यवाद दिए, किया ना सबने, दिल से किया, कन्विक्शन हुई, सारे ब्रह्मांड को हमने माफी मांगी, अर्थ से माफी मांगी। फिर सेकंड में हमने क्या ये किया, अवेयरनेस के बारे में एक उदाहरण सुना जिस पर अवेयरली हमें काम करना है। अब उठेंगे, कैसे उठते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कौन सा पदार्थ पहले लेते हैं, कौन सा ये खाना कैसे वो लगता है, ऐसे थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे ये। और 3-4 महीनों में जो एक्शन प्लान दिया गया है, हार्ड वर्क नहीं हमें करना है, हार्ड वर्क तो हमें हार्ड वर्क भी आना चाहिए, उसमें हार्ट पर जाना चाहिए, कम से कम 3 मिनट, 6 मिनट और 9 मिनट, 369। हम आगे इस पर बात करेंगे, ये बड़ा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये मैम जानती होगी, उन्होंने अनुभव लिए होंगे किस बात की बात चल रही है, ये बेसिक लेवल की बात है सभी, ये कॉन्सिक्वेंसेस तो होते रहेंगे, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्टेंस हमें करना पड़ेगा। हमारे हाथ में क्या है, अभी हमारे ध्यान क्षेत्र में क्या है, उतना कर सकते हैं कि हम माफ कर सकते हैं और जो चीज चाहिए उस पर हम फोकस कर सकते हैं। यानी अर्थ अब पूरा व्हाइट लाइट से, ये देखो ये हायर सेल्फ से पूरा क्रिएट हो चुका है, चिंता मत करो उसकी। आपने प्रेयर की है ना, सबकॉन्शियस लेवल पर आपने अलाइनमेंट किया है ना, तो डिस्ट्रॉय होगा, उसकी चिंता मत करो। हम उस पर नहीं जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स पर नहीं जाएंगे, फोकस हम यही करेंगे कि ये हो चुका है, कैसे होने वाला है वो प्रकृति देखेगी। हाँ, हम अभी हमारे ध्यान क्षेत्र में क्या दिया गया है, उतना कि हम क्षमा करेंगे उन लोगों को, और जैसे हम बता सकते हैं लोगों को कि बाबा ये करना गलत है, ये मत करो, इतना तो बता सकते हैं। तो रिलैक्स रहो, अपने हार्ट पर रहो, जब भी कोई भी स्थिति आ जाए बिल्कुल घबराना नहीं है, हमारे साथ ऑल इज वेल बिकॉज उस कॉन्शियसनेस का जिसने ये सारा ब्रह्मांड रचा है उसकी एक अंश हमारे अंदर है, तो घबराना नहीं है, हर सिचुएशन को हम लड़ सकते हैं पॉजिटिवली किसी को झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं, किसी को समस्या बताने की आवश्यकता नहीं, हम अभी वही है जो सृष्टि या चेतना चाहती है वो एक्सेप्ट करके। यहाँ पर मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे आपने सुना, कैसा लगा मुझे नहीं पता, मैं उसमें जाता भी नहीं हूँ कि उसका परिणाम क्या है, क्योंकि मेरे लिए कर्मा इज द फ्रूट, दैट्स इट।